हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक नया बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया है स्कूल यूनिफॉर्म का बिजनेस। दोस्तों ये स्कूल यूनिफॉर्म टी शर्ट का बिजनेस का आइडिया है। या आप जिसको आप 150 में खरीद के 300 या 350 में आप स्कूल को भेज सकते हो। और चलिए मैं लेकर चलता हूँ कोलकाता डोनिया यूनिफॉर्म के पास। डोनिया यूनिफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड जो बहुत अच्छा बहुत मतलब पॉपुलर स्कूल यूनिफॉर्म का सप्लायर है। चलिए मैं उनका फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, उधर कैसे यूनिफॉर्म बनता है, उनका स्टिचिंग कटिंग मास्टर, उनका जो जो ऑफिस स्टाफ है सबसे मैं बात करवाऊँगा कैसे बनता है, कैसे सप्लाई करता है वो लोग। और इंडिया में कहीं भी कोई भी स्टेट से आप कैसे माल मंगा सकते हैं, मैं सब बात करूँगा मैं उनसे। चलिए उनको लेकर चलते हैं उधर। और ये कलकत्ता का सबसे अच्छा टी शर्ट सप्लायर स्कूल यूनिफॉर्म का डोनिया यूनिफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, मैं उधर हूँ। मैं सुना था दिल्ली में अच्छा अच्छा टी शर्ट बनता है सस्ता में, लेकिन देखा कलकत्ता में एक है डोनिया यूनिफॉर्म, बहुत नामी सुना मैंने डोनिया यूनिफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्ते, मैं आपके पास आया कुछ यूनिफॉर्म के बारे में आइडिया लेने के लिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारा इंक्वायरी आता है। सब बहुत फ्रेंड लोग बोलते हैं कि आप यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, और मैं नेट से ऑनलाइन सर्च किया, देखा कि आपका डोनिया यूनिफॉर्म का बहुत सारा डिमांड भी है, बहुत अच्छा अच्छा टी शर्ट बनाते हैं आप, सप्लायर बहुत बड़े सप्लायर हैं। तो मैं आपसे कुछ बातें करूँगा कैसे बनाते हैं, कैसे आपके भेजते हैं, प्राइस क्या है। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो आप पहले टी शर्ट से शुरू कीजिए, ये टेबल में सैंपल थोड़ा आप दिखाइए मुझे सैंपल। सर ये देखिए, अभी नया हम लोग का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये टी शर्ट है। अच्छा, ये बिहार पूर्णिया के लिए बन रहा है। अच्छा, अभी रेडी कल हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, इसका बैक साइड प्रिंट है। अच्छा, और इसमें लगभग 6 कलर देके हमने बनाया। अच्छा, यहाँ जैसे मान के चलिए ग्रीन है, रेड है, रॉयल ब्लू है, एंड देन येलो है, और ब्लैक कलर का मैंने रिवन कलर बनाया है। अच्छा, और इसको मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, और इसका कलर भी देख लीजिए। और ये फुल्ली कॉटन टी शर्ट है। अच्छा, और पहले बहुत सॉफ्ट, पहले हम लोग दिल्ली से बनाते थे। अच्छा, और हम लोग फिर सोचा कैसे कि बंगाल वासी को कैसे कलकत्ता से सर्विस मिले, फिर हम लोग सोचा कि कलकत्ता में इसको मैन्युफैक्चरिंग करवाइए, और हमने कुछ सेटअप लगाया और किया। ठीक है, इसका थोड़ा मैं पार्ट दिखाना चाहता हूँ। इसका पार्ट ये पहले कॉलर बनता है, जैसे एज पर योर कस्टमर डिजाइन, जो भी कस्टमर बोल दिया कि यहाँ धारी चाहिए, यहाँ 2 लाइन चाहिए, यहाँ 3 लाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसको व्हाइट में 2 लाइन धारी चाहिए। अच्छा, 2 धारी का कलर ब्लू चाहिए, तो कस्टमर जैसे कस्टमर बोलेगा? जो भी बोलेगा, कूलर बनाने का मशीन, इसमें कूलर बनता है। अच्छा, एक दूसरा और दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें बाजू टेप होता है इसको। अच्छा, ये जो हाथ में लगता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो लगता है ये टेप बनता है, टेप हम लोग बनाते हैं। और दूसरा है कि टी शर्ट बनाने का प्रोसीजर आगे आपको दिखाएंगे, हम फैक्ट्री में ले जाएंगे आपको, और ले जाने के बाद आपको पूरा स्टिचिंग दिखाएंगे, ऐसा उसको डिजाइन बनता है, उसके बाद कम्प्लीट टी शर्ट। तो कोई अगर मान लीजिए कोई बिहार से आपके पास ऑर्डर किया, ठीक है, तो इसका साइज पहले बताइए, क्लास अप टू 10 तक क्या क्या साइज लगता है? देखिए सर, ऐसा है कि नर्सरी के लिए जो प्ले स्कूल का है हम लोग बनाते हैं 22 साइज से। अच्छा, प्ले स्कूल का 3.5 साल से 3.5 साल का तो बच्चा आ जाता है। कितना साइज? 2.5 साल उम्र से 3.5 साल का बच्चा आ जाता है प्ले स्कूल। अच्छा, तो प्ले स्कूल में सर ऐसा है कि 22 साइज या 24 साइज प्ले स्कूल में चल जाता है, 2 साइज में हो जाएगा। रहा नर्सरी लेवल का जो स्कूल है, 4 तक का जो है 30-32 साइज तक चल जाता है, और HS तक तो आता है वो अपना 40-42 तक जाता है, एज पर योर कस्टमर डिजाइन। आपको जो साइज जैसा डिजाइन चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, और रिजनेबल प्राइस भी मिलेगा। प्राइस भी बता दीजिए आप। लगभग मान के चलिए सर, ये अच्छा क्वालिटी बनेगा तो ये क्या साइज का? ये सर 24 साइज का बन रहा है, 24 साइज में आपको कम्प्लीटली दिखा। होलसेल कितना में मिलेगा ये सर? 24 साइज का है, लगभग मान के चलिए 150 रुपए में, मान के चलिए आपको रेडी विद कम्प्लीट। अच्छा, कस्टमर आपसे खरीदे 150 रुपए में वो बेचा गया था। देखिए सर, स्कूल वाला तो 300-350 का ये बेचता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, टैक्सेस लगता है, कुछ खर्चा लगता है, लेकिन हम लोग का जो भी होता है पूरा क्वालिटी पे प्रोडक्ट बनता है। मान लीजिए आपका 150, कोई भी मीडिएटर 250 में बेच सकता है, स्कूल इसको 350 में भेजे 100 रुपए। एक तो जैसा स्कूल का डिमांड है, मान के चलिए कि स्कूल कोई इंटरनेशनल स्कूल हो तो उसमें क्या होता है कि वो 300 रुपए बेच सकता है, 400 बेच सकता है, मिनिमम 250 से नीचे स्कूल का छोड़ दीजिए, कोई मीडिएटर कोई
ऐसा कोई अलग कोई दुकानदार है या सर कोई... वो 15% रख के अपना निकाल सकते 15% हाँ 15% रख के निकाल सकते आराम से संभाल सकते। और ट्रांसपोर्ट का बताइए आपको ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर सर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ उसको जैसा भी उसका साधन हो ट्रांसपोर्ट हो बस में हो हम लोग ट्रांसपोर्ट है बस तक डलवा देंगे उसको भेज दीजिए आने का आप कहीं भी भेज सकते हैं इंडिया का हाँ, कहीं भी जा सकता है अपना फॉरेन कंट्री से भी कुछ ऑर्डर आया हुआ है अभी वो ऑर्डर कहाँ करते हैं सर अभी तंजानिया से कुछ ऑर्डर आया हुआ है कुछ दुबई से इंक्वायरी है अभी एक यूके से कुछ इंक्वायरी है और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का बाहर भी कुछ मांग जाए बहुत अच्छा है ठीक है और इसके अलावा और क्या करते हैं सर इसके अलावा हम लोग सॉक्स बनाते हैं आईडी कार्ड बनाते हैं टाई बेल्ट बनाते हैं और टोटल स्कूल का जो टोटल ए टू जेड स्कूल का वन स्टॉप सोल्यूशन यूनिफॉर्म रिगार्डिंग जो भी स्कूल का जरूरत पड़े वन स्टॉप डोनिया यूनिफॉर्म में एक बार लॉगिन करिए डोनिया यूनिफॉर्म आप गूगल में सर्च करिए जैसे स्कूल यूनिफॉर्म इन इंडिया लिखेंगे तो डोनिया यूनिफॉर्म का वेबसाइट सामने आएगा तो हमको कॉल करेंगे हम लोग आपस में बात करके फिर आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा बना आपका काम चल रहा है इधर देख रहे हैं सबका अलग अलग डिजाइन है सबको अलग अलग डिजाइन अच्छा 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 इसके अलावा आप कुछ अलग टी शर्ट और ट्राउजर्स फॉर्जर्स की देख रहा है ये ऑर्डर का है सब है ना अच्छा तो ये बिजनेस आपका कितने साल से सर हमने 2009 से किया था अच्छा और हमको बहुत वो थी उम्मीद थी कि थोड़ा स्टैंडर्ड बिजनेस करे और अच्छा आदमी से करे एजुकेटेड पर्सन से करे तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा पड़ताल की फिर सोचा कि स्कूल में मतलब 2009 से टी शर्ट कलकत्ता में टी शर्ट खोजे तो नहीं मिलता ये सब टी शर्ट के लिए दिल्ली जाना पड़ता है ऐसा था कि पहले हम मुंबई में ट्रेनिंग लिया उसको अच्छा मुंबई में अच्छा क्वालिटी बनता था फिर बनने के बाद दिल्ली में सेटिंग हुआ अपना तो दिल्ली में हम खुद वहाँ रह के टी शर्ट बनाते थे अच्छा अब टी शर्ट दिल्ली से बना के लाने में 8-10 दिन लगता है अच्छा तो कस्टमर को टाइम बहुत खराब है फिर हम लोग सोचा यहाँ कैसे जुगाड़ लगा तो यहाँ सर वो कपड़ा तो आ जाता था दिल्ली से बट यहाँ स्टिचिंग में और प्रिंटिंग में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था तो हम लोग उसका धीरे धीरे सुधार किया प्रिंटिंग भी अब सही हो गया प्रिंटिंग आपको दिखा सकते हैं ये देखिए सर प्रिंटिंग बहुत मस्त और यहाँ कूलर बनाने का भी हम लोग मशीन लिया जिससे ये कूलर बनता है ये कूलर भी पहले दिल्ली से बना के मंगाना पड़ता था अब खुद का मशीन में बनता है पूरा सेटअप तो पूरा सेटअप हो गया अब कस्टमर चाहेगा तो 2 दिन में कस्टमर को हम लोग दे सकते कितना माल तक आपको हर दिन 300-400 प्रोडक्शन अप करके दे सकते 300-400 टी शर्ट आपको निकाल के दे सकते एक हफ्ता देगा तो पहले क्या करते थे आप सर पहले 2009 से पहले दूसरा कुछ बिजनेस था अपना बिजनेस में था और मतलब यही लाइन में ना दूसरा कुछ लाइन में था 2009 से छोड़ के दिया और बहुत अच्छा लगता है और लार्ज क्वांटिटी भी मिलता है सर फैक्ट्री में अंदर ले जाते हैं आपको वहाँ आपको शूट कर लीजिए देख लीजिए कैसा बनता है क्या होता है कुछ कस्टमर को भी पता चले क्या होता है हाँ स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल शर्ट का बताइए कुछ शर्ट का सर ये यूनिट तो यहाँ नहीं है ये टी शर्ट के लिए अलग अपना जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसमें खाली बनता है आपको टी शर्ट बनता है ट्राउजर बनता है स्पोर्ट्स वेयर बनता है अच्छा अच्छा अगर आपको शर्ट के लिए जाना होगा तो अलग यूनिट में जाना ठीक है किसी दिन अलग चले जाए जरूर जरूर सर जैसे जगह आप जा सकते हैं तब आप अपना कारखाना दिखा दीजिए मुझे हाँ थोड़ा सर आइए थोड़ा सा देख लीजिए कैसा बनता है मैंने आपको जो दिखाया था लेकिन सर वो बन रहा है वहाँ अच्छा स्टॉक हो रहा है स्कूल का है स्कूल का वही आपको जो मैंने दिखाया है अच्छा 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 ये मैंने दिखाया वही आपको ये ऑर्डर कहाँ से है बिहार से ये बिहार पूर्णिया से है अच्छा ठीक है और कुछ कारीगर से बात कर सकते हैं आप कारीगर से भी बात कर सकते हैं वही प्रोडक्ट हेलो हाँ हेलो सर टी शर्ट बन रहा कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ 5 महीने अच्छा अच्छा एक टी शर्ट जो है आप एक दिन में कितना बना लेते हैं 60-70 बन जाता है अच्छा डिजाइन रहेगा तो ये थोड़ा डिजाइन नहीं है प्लेन है क्या ये डिजाइन है डिजाइन अच्छा ये थोड़ा ये तो 60-70 नहीं बनेगा थोड़ा कम जो बस ठीक है आप थोड़ा बनाइए मैं देखता हूँ कैसे
हाँ नहीं, आप काम मत मत कीजिए, आप काम करते करते बात कीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, काम मत तो। ऑर्डर एक कॉलर है, ये देख रहे, देखने में तो लग रहा है बहुत सारा डिजाइन है इसमें। क्या कर रहे हैं आप? मैं धागा करना होता है। अच्छा अच्छा, धागा भी करना का? जी, धागा करना होता है, ये सब फिनिशिंग करना होता है। फिनिशिंग हो रहा है ना, ये मतलब एक कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये क्या क्या आ जाएगा इसका? इसके बाद पैकिंग होगा, ये ना कुछ आयरन वायरन करना पड़ेगा। इसके बाद ये काज बटन में जाएगा। अच्छा, काज बटन होकर उसके बाद तब जाके पेस्ट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद पैकिंग होकर उसके बाद। अच्छा अच्छा, मतलब अभी बहुत कम बाकी है। जी, अभी बहुत कम। ठीक है, ये क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? क्या बन रहे हैं? नाम नाम क्या है आपका? मोहम्मद आरिफ अंसारी। मोहम्मद आरिफ, मैं सिलाई का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या बना रहे हैं आप? ये हैंडीकैप लगा रहा हूँ। अच्छा, ओवरलॉक मशीन है। जोर से बोलिए। ये ओवरलॉक मशीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मास्टर जी देखिए, अभी आयरन मैन आयरन कर रहा है। अच्छा, ये आयरन हो जाने के बाद भाई, आपका नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश जी, प्रकाश जी आयरन कर रहे हैं। अच्छा, आयरन के बाद मतलब ये कम लगभग फिनिश हो गया है ये टी शर्ट? हाँ, इसके बाद ये पैकिंग में जाएगा। ये पैकिंग हो जाएगा, फिर अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है प्रकाश जी, देखिए हम लोग के मास्टर जी है, बहुत बेहतरीन मास्टर है। हेलो मास्टर जी, नाम क्या है मास्टर जी आपका? मेरा नाम है अहमद। अहमद जी, अच्छा बताइए, ये आप मास्टर जी कटिंग मास्टर हैं? हाँ, ये अभी नया डिजाइन बन रहा है। हाँ, डिजाइन निकाल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। कटिंग करता हूँ टी शर्ट और क्या क्या कटिंग करते हैं आप? टी शर्ट भी करता हूँ। अच्छा, मैं टी शर्ट का ही मतलब गंजी का ही काम होता है। गंजी का, ट्राउजर का, ट्राउजर का, ये सब जो है। अच्छा, स्कूल का स्पोर्ट्स वगैरह होगा, स्कूल के साथ साथ बाहर का भी काम होता है? स्कूल का भी होता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। प्रोडक्शन कितना हो जाता है? प्रोडक्शन 5-6 हज़ार पीस।